सेवा नाम साई बंदे अलग है साई पूजा सेवा नाम साई बंदे अलग है साई पूजा हर जीवों में साई बसा है हर जीवों में साई बसा है कोई न लागे दूजा अलग है साई पूजा अलग है साई पूजा सेवा नाम साई बंदे अलग है साई पूजा ओम साई राम। मेरा नाम सिमरन है और हम बाबा से 2019 से जुड़े हैं और हम आज बाबा से अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं जो मेरा बाबा के साथ रहा है। 2019 में हम बाबा को बिल्कुल नहीं जानते थे। बाबा को हम बचपन से ही उतना नहीं जानते थे। मेरे घर में फ़ोटो वगैरह था, सब नॉर्मल, बस पूजा वगैरह सब कर दिए, मतलब अगरबत्ती धूप वगैरह बस हो गया, उतना बिल्कुल नहीं था भरोसा या विश्वास जो बोलते हैं। तो मेरा छोटे से ही हम सब भगवान को मानते, सब भगवान को पूजा करते थे। तो मेरा था कि हाँ शिव गुरु करके, तो शिव गुरु का हम मतलब शिव गुरु में हम जुड़े हुए भी थे। तो कुछ भी प्रॉब्लम होता तो शिव जी करके बोलते थे कि हाँ भगवान कर दीजिएगा, ये हो जाए वो हो जाए, क्यों इतना प्रॉब्लम है। तो उस समय बहुत ट्रबल में थे, कुछ अच्छा नहीं चल रहा था, हम आगे अपना फ्यूचर सोच के बहुत परेशान हो रहे थे कि एक तो लॉकडाउन हो गया है, स्टडीज़ कैसे जाएगा, बीच में अटक गए हम, इतना मैंने से इतना एडमिशन भी लिए हैं फिर भी इतना प्रॉब्लम, बहुत ट्रबल था, बहुत परेशान हो रहे थे और बहुत उसमें हम रो भी रहे थे। तो बहुत भगवान से हम बोले शिव जी को कि प्लीज़ भगवान ये हो जाए वो हो जाए, क्यों नहीं ठीक हो रहा, आप इतना क्यों परेशान में मेरे को कैसे देख रहे हैं, आप कुछ तो कीजिए, इतना कीजिए, बहुत बोले, कुछ नहीं हो रहा था, कुछ भी कोई भी मतलब कहीं से मेरा कुछ हो ही नहीं रहा था, बहुत परेशान हो चुके थे, बहुत फ्रस्ट्रेट हो रहे थे। तो बहुत हम रोए एक दिन, बहुत बहुत ज़्यादा हम शिव जी से बहुत मतलब लड़ाई करने लगे कि भगवान है आप, सब कुछ देखते हैं, हम लोग को लाए हैं इस धरती पे तो संभालना भी आपका काम है, तो आप क्यों नहीं देख रहे हैं, क्यों चुपचाप बैठे हैं, इतना करने के बाद भी आप कैसे चुप हैं, आपको इतना मानते हैं, बहुत कुछ कहे, बहुत रोए। थोड़ी देर के बाद सडनली पता नहीं मन में क्या हुआ, तो हम YouTube चैनल खोलें, मतलब YouTube खोलें। तो जैसे YouTube खोलें तो उसमें हमको दिखा कि सबसे पहले जैसे YouTube ऑन किए तो सबसे पहले उसमें एक चैनल आया जिसमें लिखा था साई एक्सपीरियंस करके। तो बस पता नहीं मन में क्या था, मन में तो मतलब बहुत परेशान थे, डिप्रेस थे, रो रहे थे, मूड तो ऐसे ही ऑफ था, बट पता नहीं मन में क्या आया तो हम चैनल को बस ओपन कर लिए। तो जो बोल रही थी वो अपना एक्सपीरियंस शेयर जो कर रही थी दीदी, बस बोल रही थी और बस सुन रहे थे, मेरा ध्यान उस समय बिल्कुल नहीं था कि हाँ चलो ठीक है गौर से सुनना है क्या बोल रही है, बस सुन रहे थे। तो वो बताते बताते बोली कि साईं बाबा मेरा हर चीज़ सॉल्व किए हैं, मेरे को हर प्रॉब्लम से दूर किया है। हम बाबा को हम पहले नहीं जानते थे, बाबा को हम नहीं मानते थे, लेकिन जब से बाबा को हम एक बार माने हैं तो बाबा मेरा ये पूरा कर दिए हैं, बाबा मेरे को स्टडीज़ में बहुत आगे किए हैं। मतलब मेरे को ऐसा सुनने में फ़ील हुआ ना जैसे कह रहे ये तो मेरा ही प्रॉब्लम है, ऐसा क्यों लग रहा है कि ये बाबा के बारे जो एक्सपीरियंस शेयर कर रही हैं ये तो थोड़ा बहुत मिलता जुलता स्टडीज़ को लेके, थोड़ा लाइफ में डिप्रेस है तो बिल्कुल मेरी ऐसा प्रॉब्लम लग रहा है। तो हम सुनने लगे और अच्छे से क्या बोले, सारा वीडियो सुने उनका, मतलब सारा एंड तक पूरा सुने। तो मेरे को पता नहीं मन में क्या हुआ, उसमें वो ना श्रद्धा और सबूरी का बात की कि बाबा कहते हैं श्रद्धा और सबूरी रखो बस सब कुछ होगा। तो मेरे मन में आया कि श्रद्धा मतलब सेंस की हम लोग को श्रद्धा होना चाहिए, भगवान के पर विश्वास होना चाहिए। सबूरी मेरे को पता नहीं था, श्रद्धा सिर्फ हम पहली बार सुन रहे थे, बट पता नहीं खुद ही मन में आ गया कि सबूरी मतलब शायद सबर करना, पेशेंस। तो खुद ही मन में बोल के खुद ही को समझा लिया कि शायद पेशेंस ही होगा। तो पता नहीं उसके बाद फिर मन में मेरा क्या आया, बाबा को बोले कि साईं बाबा हम आपको कभी नहीं जानते, शुरू से कभी आपके मन में वैसा मेरा भाव नहीं रहा है, लेकिन हम सब भगवान से लड़ाई करके बैठे हैं, हमको कोई भगवान पे भरोसा नहीं, हम कोई भगवान को नहीं जानते, शिव गुरु को बहुत माने, सब भगवान के सामने झुके हैं, बट कोई कोई मेरे लिए कुछ नहीं किया,
हम रोते हैं, सब देखते हैं, कोई मेरे लिए कुछ नहीं करते। बहुत लड़ाई की सारे भगवान को, और साईं बाबा के सामने हम बैठ के बोल बोल के उनका फ़ोटो देख के बोल रहे थे। तो हम बोले, बाबा अगर आप सच में ऐसे हैं तो हम आप पे अब भरोसा करेंगे। अगर आप हमको पकड़ लिए तो शायद हम संभल जाएंगे, और नहीं पकड़े तो शायद हम कभी उठ नहीं पाएंगे, क्योंकि हम लाइफ से बहुत परेशान हो चुके हैं। तो इतना होने के बाद हम बाबा का, बस कुछ भी हो तो बाबा आप देख लीजिएगा, पता नहीं मन में मेरा क्या था, बस बाबा का नाम लेके बोल देते थे कि बाबा हमको नहीं रोना है, आप देख लेना, जो है आप संभाल लेना। बोल बोल के बस बाबा के ऊपर मेरा भरोसा हो जाता था कि बाबा हैं। तो हम यहाँ ये मतलब बताना चाहते हैं कि बाबा जब उस समय मेरे पास आए, उसके बाद से मेरा लाइफ में बहुत चीज़ ना बनने लगा। मतलब जो काम मेरा बिगड़ गया था, मैं धीरे धीरे वो काम बनने लगा। मेरे को जिस चीज़ का ज़रूरत था वो चीज़ मेरा पूरा होने लगा। कहीं ना कहीं हमको ऐसा फील होने लगा कि हाँ बाबा तो है, मतलब बाबा कुछ चाह रहा है तो वो चीज़ मेरा हो जा रहा है। कहीं हमको दिक्कत हो रहा था वो चीज़ मेरा सॉल्व हो जा रहा है। बाबा कहीं हमको झुकने नहीं दे रहे थे, बाबा कहीं हमको गिरने नहीं दे रहे थे। मेरे को फिर हम मेरे को एक दिन मन में आया कि बाबा हम आपके बारे और जानना चाहते हैं। तो हम बहुत सारे बाबा के बारे YouTube चैनल में और सर्च करके देखने लगे, बहुत सारे एक्सपीरियंस देखने लगे। तो पूजा दिखाई चैनल आया जिसमें हम बाबा का वो देखे, MP महाप्रयाण का, तो वो हम देखे। तो मेरे को मन में हुआ कि बाबा मेरे को भी प्रयाण करना है आपका। हम आपके बारे कुछ भी नहीं जानते, मेरे को आपका सारा चरित्र देखना है, पढ़ना है कि क्या है, आप कैसे हुए हैं, कहाँ के हैं, कुछ भी नहीं पता, तो आप नॉलेज तो दे दीजिए हमको। तो बस ऐसे बाबा को बोले। तो हम मतलब बाबा को बोलते रहे ये बात बार बार। तो एक दो दिन बीता, तो दूसरे दिन ना मेरे को एक वीडियो, जैसे कि मेरे को वीडियो दिखता था, तो एक वीडियो में एक्सपीरियंस देखे कि एक दीदी उसमें वो शेयर करी है कि महाप्रयाण करने से हर तकलीफ़ का निवारण हो जाता है, हर तकलीफ दूर हो जाता है, बाबा जो भी चाहो बाबा पूरा करते हैं। तो फिर बाबा से और जिद किए कि बाबा मेरे को चाहिए, मेरे को आप पढ़ने का मौका दीजिए, मैं बस कहीं बुक नहीं, हम कहाँ से पढ़ें, कहाँ से लाएं, कुछ तो कीजिए, आप सबको इतना मिराकल देते हैं, सबको बताते हो कि आप हो, मेरे को नहीं दीजिएगा क्या, हमको नहीं बताइएगा आप हो। तो फिर ठीक उसी समय मन में ये बात बोले, बाबा को बोले, ठीक कुछ टाइम बीता, हम जस्ट गो थ्रू कर रहे थे, YouTube देख रहे थे, तो मेरे को पूजा दी का ही MP महाप्रयाण का वो वीडियो एक था, तो वो मेरे को दिखा जिसमें दीदी बता रही थी प्रयाण के बारे। उसमें नंबर भी था कि इस कॉन्टैक्ट पे करके हम लोग व्हाट्सएप पे हर वीक में दो दो चैप्टर हम लोग प्रयाण कर सकते थे। तो हम सोचे कि अरे नंबर दिख गया, महाप्रयाण का दिख गया, तो फिर हम उस पर गए, कॉन्टैक्ट किए, और अभी के टाइम में उस दिन से अभी तक हम रोज़ हफ्ते में हर वीक दो दो चैप्टर प्रयाण करते हैं। ये मेरा सबसे सेकेंड, हाँ ये मेरा सेकेंड एक्सपीरियंस था, क्योंकि मेरा पहला एक्सपीरियंस ये था कि बाबा जिसको चाहते हैं कि उनका जो बच्चा है उनके पास आए, वो बाबा वो खुद ही उसको बुला लेते हैं। क्योंकि सोचने की बात है, हम कभी बाबा को नहीं देखे थे उस तरीके से, मतलब कि हाँ बाबा हैं, पूजा करना है स्पेशली उनको, ना जानते थे कुछ नहीं, बस फ़ोटो पड़ा है, नज़र गया, अगरबत्ती दिखा लिए, बस हो जाता था। और बाबा हम इतना कुछ उनको बस बोलें और वो तुरंत सुने, और वो खुद ही मतलब हमको अट्रैक्ट किए अपने तरफ, वो खुद ही मतलब उस दीदी के चैनल के थ्रू अचानक पता नहीं माइंड में मेरे क्या हुआ, श्रद्धा से पूरी सुने, मेरे को बाबा का नाम सुने, इतना कुछ मेरे मन में हो गया, हमको खुद ही समझ में नहीं आया कितना बाबा मेरे से कैसे मतलब जुड़ गए, कैसे आ गए। तो बाबा खुद ही मेरे पास, मतलब कहते हैं ना कि वो खुद ही आ गए और खुद ही मेरे को वो अनुभव कराए कि तुम आओ मेरे पास, मैं तुम्हें गिरने नहीं दूंगा, कोई तुम्हारे साथ दे ना दे मैं हूँ। क्योंकि अब इतना जुड़ने के बाद बाबा का मेरे पास इतना एक्सपीरियंस है, छोटे छोटे एक्सपीरियंस, हम बाबा को बोल रहे थे, कभी बोलते हैं कि बाबा पहले क्यों नहीं मिले, इतना रुला लिया आप मेरे को रोते हुए, आपको अच्छा लग रहा था, आप इतना टाइम से मेरे को रोते हुए देखे, आप कुछ उसमें पहले क्यों नहीं आए। तो बाबा का जैसे हम बोले ना कि मेरे को हर चीज़ में बाबा मैसेज दे देते हैं, तो मेरे को एक मेरे इंस्टाग्राम में मेरे को सडनली एक जैसे ऑन किए, मेरे को एक पेज दिखा था कि जब समय होता है तभी बाबा मतलब मेरे पास आते हैं। बाबा का कहना था कि मैं तो तुम्हारे साथ सात जन्मों से था, मैं तो जन्म जन्म से तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन जब तुम्हें मैं अनुभव कराना चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तभी तुम मेरे पास आई हो।
तो मैं जब चाहता कि हाँ अब तुम आओ, तभी मैं तुम्हारा तो तभी तुम मेरे पास आई हो। तो मतलब बाबा जब चाहेंगे कि कोई भक्त उनका या फिर कोई उनके पास आए, तभी वो आ सकता है। वरना उतने टाइम से कभी मेरे को ये एक्सपीरियंस नहीं हुआ, कभी इतना कुछ मतलब YouTube, क्योंकि मेरे YouTube में कभी बाबा का ना भजन साईं के नाम का ना कुछ भी नहीं था। सडनली वो अचानक से कैसे आ गया, मेरे दिमाग में यही चल रहा था कि अचानक से कैसे आ सकता है। मतलब कभी भी बाबा का मेरे YouTube में नहीं आया है, कभी भी कोई भी एक्सपीरियंस, कोई भजन, कोई बाबा का फ़ोटो कभी भी नहीं आया, और सडनली हम रोएं इतना कुछ, भगवान जी से सब बहस करने लगे, लड़ाई कर लिए कि आप लोग कोई साथ नहीं देते हो, आप लोग कोई अच्छे नहीं हो, सब भगवान बोलते हो कोई अच्छे नहीं हो। और ठीक उसी समय मेरे बाबा थे मेरे साथ, जो मेरा हाथ पकड़े और मेरे को बोले, मेरे को अपनी तरफ ले आए कि तुम कहाँ ढूंढ रही हो, कहाँ जा रही हो, तुम आओ मेरे तरफ, मैं तो यहाँ हूँ। और जब बाबा का समय था तो ही हम उस समय बाबा से जुड़ गया, बाबा को हम पा लिए कि हाँ बाबा हैं, शायद यही हम मेरे साथ रहेंगे। जब बाबा चाहते हैं तभी वो चीज़ होता है। उसके बाद ये मेरा जो सच्चरित्र का था कि वो वीडियो देखे और बाबा मेरे को ये ग्रुप में ऐड कर दिए कि तुम्हें चरित्र पढ़ना है, लो मैं तुम्हें वो भी दे देता हूँ, ऐसा उनका था। तो वो तो मेरे लिए, जब हम चरित्र का YouTube में देखें, जैसे कि हम बाबा को बोले बाबा मेरे को भी पढ़ना आपका चरित्र, मेरे को भी आपके बारे जानना है, कुछ तो करो बाबा, हम तो बुक नहीं ला सकते, सीढ़ी तो मेरा जाना पॉसिबल ही नहीं है, खासकर लॉकडाउन है, तो कुछ तो करिए साईं राम, कुछ तो कीजिए, हमको जानना है, कुछ तो मतलब मेरे को मिल जाए। तो जस्ट थोड़ी देर के अंदर ही मेरे को वो YouTube में ही, जैसे कि मेरे को पहले बाबा भी मेरे को YouTube के थ्रू मिले और मेरे को परायण भी बाबा YouTube के ही थ्रू दिए, और हम मतलब वो देखे और मेरे को लिटरली इतना ज़्यादा हम शॉक्ड हो गए, हम इतना खुश हो गए कि ओ गॉड, मतलब ये कैसे हो गया। क्योंकि लाइफ में कभी ऐसा मिराकल, मतलब एक कहते हैं ना कि बोलो और मुँह से निकले कुछ हो जाए, कोई नहीं कर सकता सिवाय मेरे साईं के। मतलब हमारे साईं जो हैं, मेरे बाबा जो हैं, वो कुछ है ही नहीं, इनके बारे कुछ कहना ही नहीं है, कुछ शब्द ही नहीं है। वो इतने अच्छे हैं, इतने प्यारे, इतने दयालु, इतने क्यूट हैं, इतने अच्छे हैं, मतलब कुछ कहना ही नहीं है। हम तो इनके बारे बोलते हैं, मैंने कहा दिन रात कहते रह जाए, कहते रह जाए, कहते रह जाए, इतने अच्छे हैं। लिटरली मतलब फील आता है कि कब मतलब रोल है, फिर बोले कि हाँ बाबा अब बोलते हैं, इतने अच्छे हैं ये। मेरी लाइफ का बहुत अच्छा था वो, बहुत प्यारा पल था कि मेरे को सबसे पहला मतलब कहते हैं ना कि यकीन हो गया कि साईं हैं, जब वो चरित्र का छोटा ही एक्सपीरियंस था, क्योंकि बाबा का चमत्कार इतना बड़ा है कि वो तो एक दाना के नाम का था, कि वो तो बस बाबा हमको बता दिए कि हाँ मैं हूँ, आगे आगे देखो और क्या करता हूँ, वो तो छोटा सा एक डेमो था बाबा का। तो चरित्र मेरे को जब दिखा तो मेरे को पता चला कि बाबा हैं, वो सुनते हैं, वो देखते हैं, आप कहीं भी बोलो। इतना हम अब जा कर के मेरे को साईं पूजा दीदी का चैनल में इतना कुछ उनका एक्सपीरियंस देखे हैं, सुने हैं, कि अब वो सब चीज़ मेरे को रियलाइज़ होता है कि क्यों मेरा इतना लेट हुआ अचानक बाबा का आना, यूट्यूब में इतना कुछ दिखना, और यूट्यूब के थ्रू बाबा मेरे को मिले, मतलब हमको अपने तरफ ले आए, फिर चैनल मिलना, सब कुछ मेरे को बाबा मतलब सीक्वेंस के थ्रू करते चले गए। और अभी हम मतलब मेरे पास कोई शब्द नहीं है, कोई शब्द नहीं है बाबा का अच्छाई, बाबा को एक्सप्रेस करने का कोई शब्द नहीं है। शायद वो बाबा ही जानते होंगे कोई अच्छा शब्द है, तो शायद साईं ही वो शब्द है जो साईं बाबा को डिफाइन कर सके। कोई शब्द नहीं है, मेरे बाबा इतने अच्छे हैं। एंड थैंक यू सो मच पूजा दीदी, आप बहुत 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 अच्छी हैं, बहुत प्यारी हैं, बहुत सुंदर हैं, आप बहुत अच्छा बोलती हैं, आपसे इतना मोटिवेट होते हैं हम। कभी कभी तो मेरा एक्सपीरियंस ही यही रहता है कि हमको कुछ सवाल होता है, बहुत कुछ सवाल होता है, जबकि तो हम बाबा से पूछते हैं, तो बाबा से क्वेश्चन करने के बाद जस्ट हम आपका चैनल ढूंढते हैं और जस्ट आपका चैनल पे क्लिक करते हैं और सब कुछ सुनते हैं। और सच में कह रहे हैं, मेरे को सारा का सारा जवाब आपके चैनल, आपके ज़बान से ही सुनने को मिलता आंसर। तो मेरे को लगता है कि बाबा हम आपको कह दिए, बस मेरे को हाँ जवाब तो आपकी बेटी साईं पूजा से मिल ही जाएगा, तो आप आराम से बैठो। मतलब मेरे को वो अब हो जाता है, बाबा से, बाबा को मेरे दोस्त, पापा, माँ सब मानते हैं, वो इतने अच्छे हैं, कोई कहना नहीं है। दीदी एंड दीदी थैंक यू सो मच,
अब बहुत अच्छा काम कर रही है, बहुत आगे जा रही हैं, बहुत अच्छा लग रहा है देख के, और अब बहुत सुंदर हैं, बहुत प्यारी हैं, बहुत अच्छी हैं, उनका आवाज़ बहुत अच्छा है। इनफैक्ट श्रद्धा है ना, उनका भी आवाज़ बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा आप दोनों गाती हैं। आप जो बोलती हैं ना बहुत मोटिवेशन होता है, हम बहुत मोटिवेट होते हैं। इनफैक्ट जब हम रोते हैं तो लगता है कि नहीं मेरे को रोना नहीं है, मेरे को चुपचाप उनका वीडियो सुन लेना है, उनका वीडियो देख लेना है, क्योंकि अब बाबा के बारे बोलती है, अब बाबा तो मेरे ऐसी ही जान है, तो आप बाबा के बारे बताती हैं सुनते हैं तो खुश हो जाते तो रोना भी बंद हो जाता है, तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। तो दीदी आप ऐसे ही आगे आगे बढ़ते रहिए, आप बहुत 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 हम लोग को भी प्यार करिए, हम लोग भी आपको बहुत प्यार करते हैं, एंड बाबा आपके साथ हमेशा रहें और हमारे साथ भी हमेशा रहें। और आई विश कि आप गरीब लोग को इतना हेल्प करती, इतना मदद करती हैं, एंड आई होप एंड आई विश कि मेरे साईं बाबा हमको उस लायक बहुत जल्दी बनाए कि आने वाले टाइम में बहुत जल्दी से जल्दी हम भी आपका जितना से जितना हो पाए हम आपको सपोर्ट करें, सबको गरीब लोग को हेल्प करने को, खाना खिलाने को या जो भी दान करने को, क्योंकि हमको भी आपको सपोर्ट करना, बहुत अच्छा काम करें दीदी, बहुत 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 अच्छा लगता है आपको देख करके, थैंक यू सो मच। और मेरे पास और भी कुछ एक्सपीरियंस है, अगर आई होप बाबा की मर्जी से नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताएंगे। ओम साईं राम, जय साईं राम। जानी